अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से ही होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है अहमदाबाद, हमारा नाश्ता वगैरह सब कुछ हो चुका है जो मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई क्योंकि बहुत कजबज थी। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाके उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि इतने अच्छे अच्छे सीन आपसे मिस ना हो जाए। तो आगे फिलहाल तो मैं साइलेंट करना भूल गई अपनी कज़न सिस्टर के घर, और बस अभी ही हम लोग, बहुत ठंडी है यहाँ पर बहुत हद से ज़्यादा। तो बस अभी हम नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं और टेरिस पर आई हूँ मैं धूप लेने के लिए। और फिर शाम में हम तैयार होंगे, तो जो भी रहेगा आप लोगों के साथ तो मैं ज़रूरी शेयर करती रहूँगी। तो इंशाल्लाह जुड़े रहे, बिल्कुल वीडियो स्किप ना करें। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी ही देर में। तो देखिए मैं आ गई हूँ टेरिस पे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताई तो मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं अब टेरिस पर, यहाँ पर धूप खाने। लेकिन यहाँ पर तो धूप है ही नहीं, सिर्फ हवा ही हवा है, है ना। तो जहाँ मैं वहाँ ये, जहाँ ये वहाँ मैं। तो हम दोनों अभी टेरिस पर आ चुके हैं और मैं आप लोगों को आपकी मेरी मेहंदी तो दिखाना ही भूल गई। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा मेहंदी में कलर चढ़ा है दोनों हाथों में। अभी दूसरे हाथ से तो मैंने मोबाइल पकड़ी, तो वो तो मैं आप लोगों से नहीं बता सकती हूँ। तो ये देखिए दोनों हाथों में मेरे भांजे ने मोबाइल पकड़ लिया अभी। तो दोनों हाथों में माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर चढ़ा है मेहंदी का, देख सकते हो आप लोग। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी भी मेहंदी लगी है। तो बस यही बताना था आप लोगों से, आप जब तैयार होंगे तब मिलेंगे। अभी हम आए हैं अहमदाबाद के फेमस पार्क में जिसका नाम है लॉ गार्डन। पता नहीं इधर क्यों ने लिखा है, लेकिन ये पार्क लॉ गार्डन नाम से जाना जाता है, नॉट लव गार्डन, ओनली लॉ गार्डन। तो चलो अब इस पार्क के अंदर चलते हैं और देखते हैं। मुंबई के तो मैंने आप लोगों को काफ़ी पार्क विज़िट कराई हूँ, तो अब मैं आप लोगों को अहमदाबाद का पार्क विज़िट कराऊँगी जिसमें काफ़ी सफाई है, देख सकते हो आप लोग। तो अभी हम अंदर एंटर हो रहे हैं पार्क के और देखते हैं कि कितना खूबसूरत पार्क है भी या नहीं। ठीक है, तो चलो फिर अंदर चलते। तो काफ़ी स्मॉल पार्क है ये, वॉकिंग का यहाँ पर जगह है, यहाँ पर वॉकिंग होती है। तो काफ़ी छोटा पार्क है ये, मुंबई के गार्डन्स के हिसाब से काफ़ी छोटा गार्डन है ये। तो चलो इस गेट के अंदर चलते हैं अभी, पर सफाई बहुत है, देख सकते हो आप लोग, है ना। ये देखिए सफाई बहुत है इस पार्क में, और यहाँ पर फाउंटेन भी लगा है। चलो इसके करीब जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर फाउंटेन भी है, काफ़ी सिंपल और खूबसूरत सा। तो चलो अब आगे की तरफ चलते हैं, काफ़ी हरियाली है यहाँ पर, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट घास है। तो चलो अब इस गेट के अंदर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है। काफ़ी सुकून है यहाँ पर मुंबई के पार्क्स के बनिस्बत, यहाँ पर क्राउड बहुत कम है, है ना। बैठने के लिए सिटिंग एरिया भी दिया हुआ है, बेंचेस लगी है, डस्टबिन है, तो मतलब कूड़ा वगैरह नहीं है यहाँ पर, काफ़ी सफाई है, है ना। तो हमें लगा था ये छोटा सा पार्क है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा पार्क है। अंदर हम लोग घुसे तो ऐसा लगा कि बस इतना ही एरिया है, लेकिन देखो अब ये तीसरा गेट जहाँ पर अभी हम जा रहे हैं, यहाँ पर एक साथ दो फाउंटेन है, देख सकते हो। करीब जाके आप लोगों को बताती हूँ मैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये स्मॉल सा फाउंटेन है, साथ ही यहाँ पर दो लाइन बने हैं, देख सकते हो, एक यहाँ और एक वहाँ पर। और ये है बड़ा वाला फाउंटेन, ये देखिए। तो यहाँ से पानी पास होकर, ये देखिए शिप के मुंह से पानी यहाँ से पास हो रहा है,
देख सकते हो आप लोग। नज़दीक कैमरा नहीं ले जा सकती क्योंकि काफ़ी पानी बाहर आ रहा है, तो फिर मेरे मोबाइल पे पानी आएगा। चलो अब चलते हैं अब और आगे की तरफ। यहाँ पर देखिए दूसरी तरफ लाइन के मुँह से बाहर पानी पास हो रहा है, देख सकते हो आप लोग। बहुत खूबसूरत है ये, तो वाकई खूबसूरत है पार्क। और ये देख सकते हो यहाँ पर भी बैठने का सीटिंग एरिया है, और अंदर एक और है ना पार्क है ना छोटा सी। हाँ तो काफ़ी बड़ा पार्क है ये, तो अब तो हमने घूमना शुरू किया है बस, तो आगे भी आप लोगों को दिखाती रहूँगी इंशाल्लाह। देखते हैं कितना बड़ा पार्क। इस गेट के अंदर और देखते हैं यहाँ पर क्या है। पर एक छोटा सा खूबसूरत सा तालाब है। पता नहीं क्यों आप लोगों के बोलने के टाइम मेरी जबान ही नहीं घूमती है, देख सकते हो आप लोग। और कंवल के फूल भी खिले हैं तालाब में, मैं आप लोगों को जूम करके बताती हूँ एक मिनट। कंवल के फूल भी खिले हैं तालाब में, छोटा सा एक ब्रिज बना हुआ है। तो चलो यहाँ पर कुछ फोटोज लेते हैं कि यहाँ पे जो ब्रिज बना है, तो यहाँ पर मतलब पत्रा लगा के बंद किया हुआ है रास्ता, लेकिन अंदर भी काफ़ी खूबसूरत सी जगह है, देख सकते हो आप लोग। तो मैंने सोची कि यहाँ पर से भी मैं आप लोगों को दिखाऊँ, लेकिन यहाँ पर पत्रे पर मेरा ध्यान नहीं गया, तो अभी मेरे हस्बैंड ने बताया कि यहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर रास्ता बंद किया हुआ है। तो हो सकता है कि कुछ रिपेयरिंग का काम चालू हो, इस वजह से रास्ता बंद किया हुआ हो। तो चलो अब चलते हैं दूसरी जगह। अब हम जा रहे हैं इस तरफ, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एक गेट बना है, और यहाँ पर देखिए सबसे पहले बैठने का सीटिंग एरिया है। तो मुझे तो इंस्टाग्राम के लिए रील्स बनाने की काफ़ी जगह है यहाँ पर, और क्राउड भी तो ये आराम से बना सकती हूँ मैं तो। लेकिन चलो फ़िलहाल तो हम यूट्यूब पर है। तो ये देखिए यहाँ पर बच्चों के खेलने की जगह है, यहाँ पर एक्सरसाइज वगैरह का भी लगा हुआ है। ये देखिए, और बच्चों के खेलने के लिए भी काफ़ी बड़ा एरिया है बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड अभी इस झूले पे बैठ रहे हैं, झूला तो लो। तो आज मेरे हस्बैंड को बचपना याद आ गया है अपना, तो वो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। मुझे तो अब इसमें बैठने बहुत डर लगता है। ये देखिए यहाँ पर कितना प्यारा कितना खूबसूरत सा फाउंटेन है। तो हम लोगों को ऐसा लगा कि यहाँ पर पता नहीं क्या धुआं सा है, लेकिन हम लोगों ने नज़दीक जाके देखे तो ये तो फाउंटेन है। तो चलो मैं भी आप लोगों को क्लोज से बताती हूँ, आ जाओ मेरे साथ। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा फाउंटेन है यहाँ पर, ये देख सकते हो आप लोग।
बहुत बहुत प्यारा लग रहा है और बहुत ठंडा पानी है इसका, देख सकते हो आप लोग, ये देखिए। तो बहुत खूबसूरत फाउंटेन है, मुझे तो यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। तो सबसे मतलब बहुत काफ़ी देर बाद ये जगह दिखाई दी, क्योंकि ये पार्क बहुत बड़ा है। तो मेरे हस्बैंड बोले वो धुआं धुआं सा क्या है, जाके देखे हम लोग मेरे नज़दीक, तो ये तो फाउंटेन है। तो देख सकते हो आप लोग कितना खूबसूरत सा फाउंटेन है ये। तो बहुत ठंडी लगी, मैं तो यहाँ पर आ जाऊँ। तो आई होप कि आप लोग बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे मेरे साथ। और जिस किसी ने अभी तक मेरा चैनल नहीं लाइक सब्सक्राइब किए तो वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर ले, वरना इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों से मिस हो जाएगी। तो अभी यहाँ पर हम लोग मतलब पार्क के बाद यहाँ पर मतलब लॉ गार्डन के ही नाम से यहाँ पर शॉपिंग सेंटर है, तो वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर विज़िट कराऊँगी। तो जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ, बिल्कुल स्किप ना कीजिए मेरी वीडियो। तो चलो, तो अभी बस हम यहाँ पर आकर बैठे हैं थोड़ी देर के लिए, और फिर मतलब घर वाले आ जाए तो फिर हम यहाँ से शॉपिंग सेंटर जाएंगे, क्योंकि उन लोगों को पार्क नहीं आना था। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो अपनी YouTube फैमिली को मैं हर जगह का विज़िट कराऊँगी, जैसे कि मुंबई के पार्क्स का कराती हूँ, घूमने की जगह का कराती हूँ, दरगाह वगैरह का कराती हूँ। तो अहमदाबाद जब मैं आई हूँ तो मैं आप लोगों को भी जितना हो सके उतनी जगह का विज़िट कराऊँगी। यहाँ पर हम लोग अभी मंडे तक है ना, मंडे तक है, लेकिन कल का ही दिन है हमारे पास घूमने के लिए। तो इंशाल्लाह कल भी जितनी जगह हो सके मैं आप लोगों को विज़िट कराऊंगी, क्योंकि मंडे के दिन हमारी रात की ट्रेन है। लेकिन क्या है कि मतलब तब पैकिंग वगैरह रहेंगी, हमें 7:30 बजे घर से निकलना होगा, इस वजह से शायद मुझे मंडे के दिन बाहर ना निकलने मिले। तो कोई नहीं, इंशाल्लाह कल का पूरा दिन है मेरे पास, तो जितनी हो सके मैं आप लोगों को जगहों का विज़िट कराऊँगी अहमदाबाद में। तो अगर वापस से बोलूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अगर मेरी वीडियो को पूरा देखे और पसंद आए तब लाइक किया करे, अच्छे अच्छे कमेंट किया करे, है ना। तो अभी बस घर वाले आ जाए थोड़ी देर में, तो हम शॉपिंग सेंटर चलते हैं यहाँ से। और जो तो अभी हम इस पार्क से एग्ज़िट ले रहे हैं और जा रहे हैं शॉपिंग सेंटर की तरफ। तो चलो वहाँ से विज़िट कराती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए अभी हम आ चुके हैं शॉपिंग सेंटर में। अब हम यहाँ पर ऑरेंज जूस पीने आए हैं, तो ये फ्रेश फ्रेश बना के दे रहे हैं भाई। अच्छा है ये भी, काफ़ी टेस्टी है, खट्टा मीठा सा टेस्ट है इसका। तो बाकी लोग तो पीछे शॉपिंग कर रहे हैं, तो मुझे तो यहाँ पर ये मार्केट में कुछ पसंद नहीं आया, तो मैंने सोची कि चलो गला भी सूख रहा है, कुछ जूस ही पिया जाए। यहाँ पे जा रहे हैं नेशनल हैंडलूम, तो ये है मार्केट का नाम। तो यहाँ पर अभी हम जा रहे हैं अंदर। ये बैंगल्स निकाल के देखो क्या कौन सा भाई, ये मेरा नाप था, वो तो सेम ही है, यही दे दो आंटे, वो भी दो आंटे। कितना बोले? बस 200। बोलो ना कितना कम होगा। Thank you.
तो देखिए इस तरह से यहाँ पे देते हैं। ये जो रेड वाली है ये तीखी चटनी है, ये कोकोनट चटनी है और ये है सांबर। तो इस तरह से आता है जग में सांबर, जितना चाहे अनलिमिटेड देते हैं ये लोग। और इस तरह से छोटी छोटी बकेट्स में ये लोग चटनी देते हैं, देख सकते हो आप लोग। तो अभी हम आए हैं यहाँ की फेमस होटल शिवा भाई डोसा वाला। तो ये यहाँ की फेमस होटल है। तो यहाँ पर हर किस्म के डोसा मिलते हैं, मसाला डोसा, चीज़ मसाला डोसा, शेजवान मसाला डोसा, हर किस्म के मसाला डोसा मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं और मेरी फैमिली आए हैं, तो फिर मैं आप लोगों को जब हमारा ऑर्डर आ जाएगा तब बताती हूँ। ये रहे मेरे हस्बैंड, इधर देखो मसाला डोसा ऐसा होता है। ये रहे मेरे हस्बैंड, इनको ऑर्डर देने की अभी जल्दी पड़ी है, तो देखते हैं फिर अभी हम कौन सा डोसा ऑर्डर करते हैं। तो ये रहा मेन्यू जिसे मेरे हस्बैंड अभी देख रहे हैं, देखते हैं ये कौन सा वाला सजेस्ट करते हैं। तो ये देखिए आ चुका है, मैंने चीज़ वाला मसाला डोसा ऑर्डर करी हूँ और मेरे हस्बैंड ने सादा वाला मसाला डोसा ऑर्डर किए हैं। ये देखिए इसे ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ का बहुत ही टेस्टी होता है। हम लोग आज से 5 साल पहले भी अहमदाबाद आए थे तो इस होटल में आए थे और इस बार भी आए हैं। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड मेरा वाला भी मसाला डोसा ओपन कर रहे हैं। ये देखिए कितना सारा चीज़ भर के दिए ये लोगों ने। चलो इसे खाते हैं और बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। ये देखिए साथ ही हमने मसाला पापड़ भी ऑर्डर किए हैं जो इस तरह से आता है। तो चलो इसे खाते हैं और देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। तो पहले इसे मैं डुबाऊंगी वाइट चटनी में, फिर रेड चटनी में और इसे अब खाते हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका। और साथ ही ये सांभर भी पी रही हूँ मैं, बहुत गर्म है सांभर, तो बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। तो अगर आप लोग अहमदाबाद से हो तो यहाँ पर ज़रूर आना। मसाला डोसा के बाद अब हमने मंगाए हैं एक प्लेट इडली। तो एक प्लेट में 2 इडली आती है। तो ये देखिए इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी हैवी है ये, तो इस वजह से एक प्लेट में 2 देते हैं। तो चलो अब ये भी फिनिश करते हैं। तो अभी हम आए हैं यहाँ पर बिस्मिल्ला जूस और आइसक्रीम की शॉप में, देख सकते हो आप लोग। तो ये लोग जो यहाँ पर रहते हैं वो बोल रहे हैं कि बहुत टेस्टी आइसक्रीम है ये, तो चलो टेस्ट करते हैं यहाँ की भी आइसक्रीम। ये देखिए यहाँ पर आइसक्रीम के फ्लेवर्स है। तो अब देखते हैं, हमने केसर पिस्ता मिल्क शेक मंगाए हैं और अब आइसक्रीम ले रहे हैं। तो देखते हैं कौन सा फ्लेवर ज़्यादा अच्छा है। बादाम कैडबरी, बादाम कैडबरी। तो क्या मतलब कितने का स्कूप है उसका? देखिए ये हमारा केसर पिस्ता मिल्क शेक आ चुका है, तो इसे टेस्ट करते हैं अभी। और अब ये मंगाई हूँ काजू अंजीर फ्लेवर का स्कूप, तो देखते हैं ये कैसा है इसका टेस्ट। वो तो बहुत मज़े का था, बोलता था केसर पिस्ता मिल्क शेक था और अब ये काजू अंजीर इसको मंगाई हूँ। काफ़ी शोर आ रहा होगा, तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आए। तो बस इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड करने लगी हूँ। तो अगर आज आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आ जाए तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना खास ख्याल रखें दुआओं में, मुझे भी याद रखें। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।